न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने शनिवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सांकेतिक धरने दिए थे, जिसमें जिला भर के विभिन्न विभागों से संबंधित कर्मचारियों ने भाग लिया था। धरने का आयोजन जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिन्हास के नेतृत्व में किया गया, जबकि इस दौरान एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, जिसके चलते सांकेतिक धरने दिए गए। सरकार ने मांगों पर गौर करते हुए इन्हें नहीं माना तो आगामी दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरने में भाग लिया। आगामी रणनीति के लिए 12 नवंबर को सभी दफ्तरों के बाहर गेट मीटिंग करने का निर्णय लिया गया है, और उसके बाद अगर सरकार तब भी नहीं जागी तो उसके बाद पैदल मार्च मंडी से शिमला तक किया जाएगा, ताकि सरकार जागे और जो कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्हें मात्र 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये पेंशन लग रही है, उनके भविष्य के बारे में सोचे। ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। सरकार हमारे से वार्ता ही नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी हम सरकार को जताना चाहते हैं कि जब तक वो हमारी बात नहीं मानेगी, हम अपना आंदोलन पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो संघर्ष कदम हमने बढ़ा लिया है, हम इसमें आगे ही बढ़ते रहेंगे। हम आगे इसमें क्रमिक कंसर्न में भी जा सकते हैं। कंसर्न में हम लगातार भूख हड़ताल में बैठेंगे, और वो हमारा अनशन शिमला में ही होगा। सभी प्रकार के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। केंद्र ने वर्ष 2009 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें सेवानिवृत्त के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसे पुरानी पेंशन स्कीम में लाया जाएगा, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने उस अधिसूचना को अभी तक जारी नहीं किया है। हमारी सरकार से मांग है कि उस अधिसूचना को जारी करे, ताकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी उससे लाभान्वित हो सके, ताकि जो असमय मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं, उनके परिवार का भरण पोषण उचित ढंग से किया जा सके। बिल्कुल सरकार पूरी तरह से हमारी बात नहीं सुन रही है। पिछली बार हमने दिल्ली में जब धरना दिया था तो सरकार ने अपना हिस्सा 10% बढ़ाकर 14% किया, लेकिन हम उससे खुश नहीं है। हमारा एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन को ही बहाल किया जाए। यही चाहते हैं कि जैसे जो कर्मचारी 15 मई 2003 से पहले के आधार पर नियुक्त हुए थे और उनको सेवानिवृत्ति के अनुसार लाभ मिल रहे हैं, वैसे ही हमें मिलना चाहिए। क्योंकि एक कर्मचारी जो आज 60-70 हज़ार, 40 हज़ार रुपये पेमेंट लेता है, और जब सेवानिवृत्त होता है तो मात्र 500 रुपये से 1000 रुपये से उसका गुजारा नहीं होता है, और उसे मजबूरन ऐसा काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता है।